नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। बसेलवा पहुंचे हैं लखन सिंगला, जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है लखन सिंगला का। देख सकते हैं फूल बरसाया जा रहा है लखन सिंगला। सिंगला जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, फूल बरसाया जा रहा है लखन सिंगला। पहुंचे हैं बसेलवा कॉलोनी, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, यहां भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। यहां पर फूल बरसाया जा रहा है लखन सिंगला पर। फरीदाबाद 89 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला, देख सकते हैं आप जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो लखन सिंगला को समर्थन दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व पार्षद रोहित सिंगला जी, पूर्व पार्षद सुंदर महा जी, कांग्रेसी नेता योगेश धवा जी, कांग्रेसी नेता राजेश काबा जी, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है लखन सिंगला का। देख सकते हैं आप, जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाया जा रहा है लखन सिंगला पर। देख सकते हैं आप, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर बसेलवा कॉलोनी में। लखन सिंगला का भव्य स्वागत किया गया। जो शहर के लोग कहते थे कि एक कसर बच गई थी, उस कसर को भी आज पूरा कर दिया सारा कांग्रेस। मंच का संचालन नितिन सिंगला कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर। देख सकते हैं आप, एक बार फिर नारा लगाएंगे चौधरी लखन कुमार सिंगला। देख सकते हैं आप, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं लखन सिंगला, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नितिन कुमार सिंगला, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। देख सकते हैं आप, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। अभी भी समारोह यहाँ पर चल रहा है और मैं बहुत ही ये खुशी का मौका है ये लखन सिंगला जी के साथ। देख सकते हैं आप, तो पुराने नेता थे, पुराने पार्षद, पुराने ढक दिया गया है मालाओं से लखन सिंगला। देख सकते हैं आप, रोहित सिंगला जी का भी हार्दिक स्वागत। मीडिया, हाँ मीडिया थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, थोड़ा सा बात इंटरव्यू हो जाएगा। मीडिया से मेरी गुजारिश है, छिलका फिरोजपुर आपने बोला है, उसके बाद आपका इंतजार हो रहा है, हमारा भी तो कुछ है। अभी एक खुशखबरी सुनाता हूँ, इस कार्यक्रम के खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन पप्पू जी और कन्हैया जी। देख सकते हैं आप, फूल बरसाया जा रहा है लखन सिंगला पर, माला पहनाया जा रहा है। अभी भी बसेलवा कॉलोनी पहुंचे हैं लखन सिंगला, नियर हीरा मंदिर रोड। भव्य स्वागत किया जा रहा है लखन सिंगला का। पप्पू जी और कन्हैया जी 51,000 रुपए की माला लखन कुमार सिंगला जी के लिए, उनके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जीत का आशीर्वाद। ये देखिए 51,000 का माला पहनाया जा रहा है लखन सिंगला को। देख सकते हैं 51,000 रुपए का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है लखन सिंगला का। देख सकते हैं आप, इक्यावन हजार रुपए की माला पहनाकर स्वागत किया गया लखन सिंगला का। देख सकते हैं आप, विक्ट्री साइन कर रहे हैं लखन सिंगला।
हीरो मंदिर के लिए बात अभी दे दो। हेलो हेलो प्रेस वालों से हाथ जोड़ के इधर साइड में प्लीज संदीप जी सारी प्रेस साइड में आप अंदर आ जाओ सारे अंदर आओ आओ पीछे आओ सब और मुकेश बंसल जी अंदर बैठे हैं उनको नीम का जेल से बाहर ले आओ साइड में प्रेस प्लीज लोग नहीं दिखाई दे रहे थोड़ा सा भाई जाओ आप थोड़ा देखो आज की हमारी 18 जनसभा थी अभी 5-6 बैलेंस है कहीं नितिन देख रहा कहीं रोहित देख रहा कहीं कोई देख रहा लेकिन सब कहते हैं भाई तू ही आ अभी अनिल शर्मा जी के सामने मैंने रोहित एक जनसभा में पहुंच गया बाबा नगर मैंने कहा भी अब काम चलाओ ना नेताजी तू ही आएगा चल भैया परम आदरणीय भाई राम सिंह नेताजी विजय भाटी जी खटाना साहब राजीव भाटी भी भाई साहब भी थे ना फोन आ रहे थे उनके मेरे पे रोहतास पहलवान बलराज जी महाराज सिंह जी रणवीर खटाना जी का तो कह दिया ना खटाना चौधरी मनसा प्रधान जी अनिल शर्मा जी दयाचंद नंबरदार मेरे पीछे खड़े हैं महाराज सिंह बालकिशन प्रसिद्ध जी राजेश आर्या जी हुड्डा साहब चौधरी साहब सारी उनकी टीम मुकेश बंसल जी कन्हैया जी और बड़े वाले नाम भूल जाता हूँ गौतम पंडित जी भी हैं अर्जुन सामने ही बैठा है याई का कप्तान पीछे बैठा है मंच पर आसीन सभी को अच्छा कोई बात नहीं आप सब देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं अशोक जी नागर साहब भीम बक्तांग तेरा भी गदा चलेगी टेंशन मत ले तू इन पत्रकार पे गदा मत चला बीजेपी पे चला तो मंच पर आसीन सभी अतिथिगण इस बसेलवा कॉलोनी की मेरी माता बहनों नौजवान साथियों बच्चों 5 तारीख का चुनाव है भाजपा आईसीयू में पड़ी है वेंटिलेटर पे है इस वक्त भाजपा कार्यकर्ता ग्लूकोज चला रहे बच जा बच जा बच जा नहीं बचेगी 5 तारीख आएगी भाजपा जाएगी कांग्रेस ब्रिश इधर आ जाओ भाई साहब कह रहे हैं या इस कोने पे थोड़ा हो रहे हो इधर राकेश जी इनको ले लो और पीछे जाओ कांग्रेस की सरकार बन रही है कोई किंतु परंतु नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बन रहे हैं कोई किंतु परंतु नहीं है मुझे भी चिताकर भेज दो मैं भी सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा आप भी सरकार का हिस्सा बन जाओगे जो भाजपा उम्मीदवार आज हमारे सामने चुनावी मैदान में है उसकी बड़ी रोचक कहानी है उसकी कहानी ऐसे है जैसे इब्राहिम लिंकन जी ने ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई करी थी ऐसी ही रोचक कहानी है 2014 में जनता ने सरकार ने भगवान ने आशीर्वाद दिया एमएलए बनाया 6-6 महकमे का मंत्री बनाया उद्योग मंत्री बनाया ना कॉलेज लाया ना स्कूल लाया अब आगे से डूबे ना कॉलेज लाया ना स्कूल लाया
ना डिस्पेंसरी लाया, ना हॉस्पिटल लाया, ना बाईपास लाया, ना हाईवे लाया, ना स्टेडियम लाया, ना एयरपोर्ट लाया। 5 साल झंडा फहराने में निकाल दिए, 2 बिल्डरों के साथ विदेश घूमने में निकाल दिए, कभी दुबई, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जर्मन, कभी जापान। कहता मैं काम कराऊंगा, कहता मैंने काम करे हैं, प्रेस वाले सुन रहे हो ना, कहता मैंने काम करे हैं, तेने काम करे तो तेरी टिकट क्यों काट दी, तेने काम करे होते तो तेरी पार्टी तेरी टिकट क्यों काट दी। 2019 में दूसरा मेहमान आ गया, उसका कार्यकाल भी ऐसे ही निकल गया। अब मंच के माध्यम से कहता है भाजपा उम्मीदवार, रुके हुए काम कराऊंगा। अरे झूठे आदमी, चालू कौन से काम है उनका नाम बता दे। संदीप जी सुन रहे हो, रुके हुए काम पूरे कराऊंगा, चालू कौन सा काम है वो बता दे, तुम्हारे काम करूंगा, सरकार हमारी बन रही है, काम यू करेगा। भाई वाह, जब सरकार में मंत्री था जब तक एक ईंट नहीं लगाई तेने, 5 साल एंजॉय करता रहा, 5 साल आनंद लेता रहा, सरकार हमारी बन रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे, कहता तुम्हारे काम कराऊंगा। झूठ और लूट की दुकान है, अहंकारी और घमंडी है। मैं एक बात पूछूंगा धर्मिमान से, सामने मंदिर है, 10 साल के अंदर किसी के सुख में, दुख में, रसम पगड़ी में, चौथे में, शादी में, ब्याह में आया, कभी देखा? जब निर्मा वाशिंग पाउडर की एड हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो ये था निर्मा वाशिंग पाउडर यूज करो, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये हालत है उम्मीदवार की। हाँ, दूसरी बात, काम करे है उसने, मेरा भाई है, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा, काम करे हैं, बूढ़ बसेलवा की सड़क खुदवा के घेर दी, ये काम करे हैं, खतरीवाड़ा, ठाकुरवाड़ा, आहिरवाड़ा, बस्सापाड़ा, चूड़ी वाली गली, झंकार गली, बाड़ मोहल्ला खोद के घेर दिए, ये काम करे हैं। अनाज मंडी के अंदर 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र था, हमारी माता बहने वहां जाती थी, तोड़कर उसका मलबे का ढेर कर दिया, आज हमारी माता बहने बीके हॉस्पिटल जाती हैं। मेरे भाई ने ये काम करे हैं, कहता है पैसे के दम पर जीत जाऊंगा, ये जनता है, ऊपर भगवान भगवान से कम नहीं था, जनता भी भगवान से कम नहीं है, जनता चाहे तो फर्श पे और जनता चाहे तो अर्श पे। वो दिन ध्यान रखो, 30 साल पुराना, कई लाख करोड़ का व्यक्ति था, नाम चेतीलाल वर्मा था, 3,000 गाड़ियों का काफिला लेके आया था, हमर तुम मथुरा रोड पर उसका काफिला देखने गए थे, लोकसभा का उम्मीदवार था, जमानत जब्त करा के भेज दी। मेरे भाइयों बहनों माताओं, वो तो 1,00,000 करोड़ का आदमी था, ये तो मच्छर है मच्छर, इसको भी जमानत जब्त करा के भेज दो, तुम्हारी जय जयकार हो जाए। हमारी जो मैनोफेस्टिंग कमेटी है, जो घोषणा पत्र है, 2005 से 14 तक हुड्डा जी की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, कभी सपने में भी सोचा था मेट्रो में सफर करोगे, मेट्रो, बदरपुर फ्लाई ओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, 6 लाइन गुड़गामा बाईपास, खैली बाईपास, ग्रेटर फरीदाबाद, KMP, मीठे पानी की रहने वाली योजना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल में प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी ने कहा बल्लमगढ़ से मेट्रो हम पलवल पहुंचाएंगे, बदरपुर बॉर्डर से गुड़गामा पहुंचाएंगे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस ने पोल छोड़े, एक भी पोल मेट्रो का नहीं लगा।
हमारे घोषणा पत्र के अंदर है, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे पहली कलम से साइन होगा, बल्लमगढ़ से पलवल तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, बदरपुर से बॉर्डर से मेट्रो पहुंचाने का गुड़गांव तक काम हम करेंगे, 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन हम देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, बीपीएल कार्ड पर 100-100 गज के प्लॉट हम देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम देंगे, जिनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए उनको बहाल किया जाएगा, प्रॉपर्टी आईटी को निरस्त किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है। और आपको बता देता हूं कि 89 विधानसभा के अंदर ब्राह्मण समाज की धर्मशाला बना के दी जाएगी, वाल्मीकि समाज की धर्मशाला बना के दी जाएगी, खटीक समाज की धर्मशाला बना के दी जाएगी, 200 बेड का हॉस्पिटल, ये हुड्डा जी की गारंटी है। सरकार बनती एक कलम से पास होगा, इस विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाकर हम देंगे। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही, 1 इंच जमीन भी किसी सामाजिक धार्मिक संस्था को नहीं मिली, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गुजर भवन, किसान भवन, पंजाबी भवन, सेक्टर 3 में दलित भवन, सेक्टर 3 में जाट भवन, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन, और सेक्टर 8 में सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने 2 एकड़ का सीनियर सिटीजन भवन बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। 1 इंच जमीन इन्होंने नहीं दी। मैं तो सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, 30 साल का संघर्ष है मेरा, 30 साल की मेहनत है मेरी, 30 साल का वनवास है मेरा, रामचंद्र भगवान का भी 14 साल में वनवास खत्म हो गया, भाइयों मेरा 30 साल का वनवास खत्म कर दो, हाथ जोड़ के कहूंगा एक बार, एक मौका दे दो, वोट तो देनी है, किसी को भी दोगे, जो व्यक्ति सामने है पहले वोट दे के देख लिया है, अमेरिका घूम रहा है, लंदन घूम रहा है, ये लखन सिंगला इन्हीं गलियों में घूमेगा, तुम्हारे काम कराएगा, एक मौका दे दो, सिर्फ 30 साल का मेरा वनवास तोड़ दो, आपकी कोई भी काम हो मैं जिम्मेवार हूं इस बात का। आपको बता देता हूं, फरीदाबाद की हर गली में सीवर लाइन होगी, पानी की लाइन होगी, आरएमसी रोड बनी होंगी, बिजली के खंभे होंगे, खंभों पे लाइट होगी, और पानी की और सीवर की कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे पकड़ लेना, मैं जिम्मेवार रहूंगा, आप इस बात की कोई चिंता ना करें। मैं मंच के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि सरकार बन रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं, आप थोड़ा सा धक्का मार दो, होइशा कैसे होइशा काम हो जाएगा, तो मुझे जिताओगे, हाथ उठाओ बनाओगे दोस्तों हाथ, और भाई और सुनो, लखन सिंगला का जब भी भाजपा उम्मीदवार यहाँ आए सबसे पहले गलियां दिखाना, जो उसने खोद के गिर दी, जो शहर तोड़ के गिर दिया, जो हॉस्पिटल तोड़ के गिर दिया, उसके अहंकार को तोड़ देना। मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, सभी आई हुई माता बहनों नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि आप मुझे बनाओगे, तोड़ दोगे बनवास। सतीश जी ने हाथ नहीं उठाया, देख रहा हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये थे फरीदाबाद 89 विधानसभा के लखन सिंगला। फिरोजपुर झिरका से मम्मन खान मेरे दोस्त हैं, उनके भतीजे भी आए हैं, उनको देख सकते हैं पगड़ी। ये मंच पे किसी का फोन है भाई, किसी का फोन है, ये मंच पे नितिन गई है, नितिन गई सिंगला साहब, आप इसका विश्वास कर लो, भूट बसेलवा, भारत कलोनी, पदम नगर,
यहाँ से 80% पोल करके आपको देंगे, लिखत में ले जाओ भाई। शहर के लालाओं को तुम्हारा काम है, भूड़ बसेलवा भारत कलानी पदम नगर अहिरवाड़ा ठाकरवाड़ा, यहाँ से किसी का डिब्बा में कोई वोट ही नहीं मिलेगी। ये लिखत में ले लो स्टाम्प पेपर में, लोगों का भावना के लखन को बनाओ भाई। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ मैं मंच के माध्यम से कि भाई 91 से मैं भी तुम देख रहे हो कांग्रेस में हूँ, जेपी नगर के साथ रहता हूँ। आज की तारीख में जितने भी कैंडिडेट है भाई, आपने सुना कि दो बार जो कैंडिडेट हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये ऐसा शहर है हुड्डा के घर में, हम भी चाहते हैं जो लखन सिंगला का मान सम्मान है वो किसी भी कैंडिडेट का नहीं है। जिता दो मैं विश्वास दे रहा हूँ आपको पंचरूपी धर्म से, ये कैबिनेट का बहुत बड़ा मिनिस्टर बनेगा और तुम्हारे बीच का बेटा है तुम्हारा। दूसरी बात और बता दूं मैं, आज से नहीं 30 साल से भैया के लखन का, ये ऐसा शहर है भैया, ये गुजरन का तो भगवान ही है, जो कोई पहुंचगा वहां गड़े तक कंधा पे बैठा के चला हनुमान की तरह। देखो मैं सच्चाई में गुजरन के काम का ही बढ़िया हूँ नगपुर का। भैया जो नेताजी कह रहे हैं, आप मौका दे दो आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मेरी गर्दन काट देना कोई जीवन में शिकायत नहीं। भाई सब के सब खाना खाकर जाएंगे, कोई भी यहाँ से बिना खाना खाए ना जाए।